हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। कल हमने रिवीजन वीडियो डाला था पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू का, तो आप चाहते हैं कि इसको आगे भी जारी रखें। काफ़ी अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स मिला है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कल एक हमारा क्वेश्चन गलत हो गए थे यहाँ पर इसको लाल करना चाहिए था ईरान को, ये लाल हो गया भारत, और क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। स्पॉन्टेनियसली मैंने इसको आपको गलत रीड करके बता दिया था। एशियाटिक चीतों की संख्या 50 से कम कहाँ पर रह गई थी? वो रह गई थी ईरान में, ठीक है, ना कि भारत में। एशियाटिक चीतों की संख्या सबसे कम कहाँ रह गई थी? ईरान देश में। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, IUCN की कैटेगरी में, ये ध्यान रखेंगे। एक एरर था और हमने कल पिंड कमेंट पे भी दे दिया था, तो आप उसको भी देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फरवरी मार्च में चल रहे थे। किस देश की गुफा में एक मानव द्वारा स्की का प्रमाण प्राप्त हुआ है जो 10 से 30 हज़ार वर्ष पुरानी है, और मानव द्वारा स्की का प्राचीनतम प्रमाण है, ये कहाँ पर पाए गए थे? चीन देश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बजट 2018-2019 में कृषि उत्पादों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाए जाने की घोषणा की गई थी? ऑपरेशन ग्रीन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, फेब 2018 में प्रधानमंत्री ने किस देश में निर्मित होने वाले प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, ध्यान रखें इसमें। भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत में कितने मोबाइल हैंडसेट निर्माण का लक्ष्य रखा है? 22.5 करोड़। केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ी 3 योजनाओं का विलय कर एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना को मंजूरी दी। जिन 3 योजनाओं का विलय किया गया है इस एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में, कौन कौन सी हैं? वो ये है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान, ये शामिल नहीं है इसमें। जो तीनों का विलय किया गया वो ऑप्शन नंबर ABC में है, डी को विलय नहीं किया गया इसमें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भारत का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र जांगला गाँव बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में खोला। और आपको बताना है कि बीजापुर ये जांगला कहाँ पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ पर खोला गया? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जांगला गांव छत्तीसगढ़ स्टेट। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही मार्च मंथ में राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के रूप में मनाने की बात कही थी। राष्ट्रीय पोषण माह हम लोगों ने इसके बाद कब मनाया? पूरे सेप्टेम्बर में। क्वीन मैक्सिमा, जिन्होंने 28 मई 2018 को भारत की यात्रा की थी, ये किस देश की महारानी है? ये नीदरलैंड की महारानी है, क्वीन मैक्सिमा, ये भारत आई थी और प्रधानमंत्री जी ने इनको फेलिसिटेट किया था, मिले थे इनसे। निम्नलिखित में से किसे कान फिल्म समारोह 2018 में रेजिनॉल्ड एफ लेविस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री यश चोपड़ा को, स्वर्गीय यश चोपड़ा को। यश चोपड़ा के नाम से मेमोरियल पुरस्कार भी एक होता है, यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 मिला है आशा भोसले को, ठीक है, ध्यान रखें इसमें। हाल ही में खबरों में रहा चिनकोटी जलप्रपात किस राज्य में है? चिनकोटी जलप्रपात ये चर्चा में रहा था मार्च अप्रैल के बीच, ये कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 जुलाई 2016 को निम्नलिखित में से किस जगह पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्तार का शुभारंभ किया? गुरुग्राम में, गुरुग्राम गुड़गांव में। जस्टिस गीता मित्तल किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई? जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा 29 अगस्त 2018 को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पूर्व में UN चीफ सेक्रेटरी रह चुके श्री कोफी अन्नान, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था 18 अगस्त को, लगातार 2 कार्यकालों तक UN महासचिव रहे थे। वे कब से कब तक UN महासचिव रहे थे? ये रहे थे 1997 से लेकर 2006 तक। इस समय महासचिव कौन है UN के? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? ये इस बार मिला था रेलवे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला था। अच्छा, किस दिन हम लोग देते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? किस उपलक्ष्य में देते हैं? कॉमेंट्स में लिख करके बताइए आप सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैलिग्नेंट कैट्रॉल फीवर जो है MCF से हाल में कर्नाटक का एक गांव पीड़ित रहा था, ये निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है? मनुष्यों की, पक्षियों की, बंदरों की या फिर मवेशियों की? मवेशियों की बीमारी है MCF, मैलिग्नेंट कैट्रॉल फीवर। G20 शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 5 से 6 सितंबर 2018 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये मेंडोजा में हुआ था, अर्जेंटीना में, ठीक है, मेंडोजा अर्जेंटीना में। भारत और श्रीलंका ने 7 सितंबर 2018 से स्लाइनेक्स 18 युद्ध अभ्यास शुरू किया था, ये दोनों देशों के बीच
स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास कब से शुरू हुआ था? स्लाइनेक्स का पहला एडिशन आया था 2005 में, ठीक है। स्लाइनेक्स के अलावा जो हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं श्रीलंका के साथ, उसका नाम है मित्र शक्ति। गृह युद्ध के कारण इडलिब हाल में खबर में थी, ये कहाँ पर स्थित है? इडलिब कहाँ पर स्थित है? सीरिया में। सीरिया की कैपिटल क्या है? डमस्कस है। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने अपना पुरस्कार वापस कर दिया था फ्रांस को। फ्रांस ने उनको जो पुरस्कार दिया था, फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर, उसको वापस कर दिया था और ये कहा था कि जो देश अमेरिका का गुलाम है मुझसे पुरस्कार नहीं लेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा 26 सितंबर 2018 को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र मिसाइल नाम है इसका। इसका कहाँ पर किया गया था परीक्षण? हमेशा की तरह व्हीलर आइलैंड, ओडिशा में। निम्नलिखित में से किसने 24 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल ई विधान उपयोग NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यशाला का उद्घाटन किया था? श्री राम अर्जुन मेघवाल ने। श्री राम अर्जुन मेघवाल किस मिनिस्ट्री से आते हैं? उस मिनिस्ट्री का नाम हमको कमेंट्स पे चाहिए, जल्दी से लिख करके बताइए। दिवि सीमा नामक द्वीप मेंढकों के अवैध व्यापार के पश्चात मानव सर्प संघर्ष हाल ही में चर्चा में है, ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र की समृद्धि परियोजना किससे संबंधित है? ये है महामार्ग निर्माण से संबंधित। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 तक के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? कमलेश नीलकंठ व्यास को, ठीक है, कमलेश नीलकंठ व्यास को। अभी हाल में रिपोर्ट आई थी जस्ट अभी सितंबर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट इसका नाम था। इसके अनुसार वर्ष 2025 तक जो 12 प्रमुख सेक्टर हैं, इनमें कितने प्रतिशत कार्य घंटे मशीनों के द्वारा किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 52%, खाली 48% मैनुअल वर्क होगा और बाकी मशीनरी वर्क होगा। प्रमुख 12 सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर संपादित लिख दे, परमाणु सक्षम मिसाइल इस्कंदर की तैनाती किस देश ने की है? बाल्टिक सागर ने। आपको बताना है इसका आंसर है रूस। रूस के साथ हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं, इंद्र के नाम से आर्मी का, एयर का हम लोग करते हैं एवियो इंद्र के नाम से, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाल्टिक सी के अराउंड कितनी कंट्रीज़ पड़ती हैं, उनका नंबर आप लोग को कॉमेंट्स में लिख करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, बोस ऑफ नाकमुराया अ रिवॉल्यूशनरी इन जापान से संबंधित कथनों पर विचार करना है और आपको फिर आंसर करना है। इसके लेखक हैं ताकेशी नकाजिमा, जापानीज ऑथर। इस पुस्तक में जिस बोस का नाम लिया गया है उसका पर्याय है, उसका तात्पर्य है रास बिहारी बोस से। इस पुस्तक में नाकामुराया जापान की एक बेकरी का नाम है। इस पुस्तक में जापान में भारत की कढ़ी खाने के प्रचलन का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसे वर्ष 2015 से 2005 के बीच समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस बार के बजट में एक बार फिर से 2018-2019 में आरोपित करने की घोषणा हुई है। इसकी दर 10% निर्धारित की गई है। ये सूचीबद्ध कंपनियों में एक साल से अधिक के निवेश पर 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर आरोपित किया जाएगा यानी कि लगाया जाएगा, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। बजट का क्वेश्चन है, तीनों ही ऑप्शन सही है, ध्यान रख लेना इसको। देश में देसी नस्लों के संरक्षण हेतु 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ये दोनों सेंटर कहाँ पर स्थित किए जाएंगे, मतलब कहाँ पर खुलेंगे? चिंतल देवी और इटारसी में। इटारसी और चिंतल देवी ये डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में पड़ते हैं, ये आप बताएंगे कमेंट्स पे लिख करके। मार्च की बात है, रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला के लिए GI टैग लेने पर दो राज्यों के बीच ठनाठनी चल रही थी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। फाइनली पश्चिम बंगाल को मिल गया था टैग GI में सफ़ेद रसगुल्ले का, आप ध्यान रखेंगे, ओडिशा को नहीं मिला था। INS तारिणी जो हाल में खबरों में क्यों रही थी, इसके चालक दल की सभी महिलाएं हैं और ये विश्व भ्रमण पर है, सरकम नेविगेशन पर थी, सितंबर फर्स्ट वीक में वापस आ गई थी, सरकम नेविगेशन को कंप्लीट किया था। INSV तारिणी क्रू की जो 6 मेंबर क्रू थी उसकी हेड हैं कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, नाम ध्यान रखेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में हमने बताई हुई हैं आपको। किस राज्य में 116 दिनों तक जल संरक्षण उद्यम स्फूर्ति आरंभ किया गया था, ये किया गया था इनिशिएटिव कैंपेन आंध्र प्रदेश में। वह देश जहां मैसिडोनिया नाम को लेकर राजधानी में जबरदस्त विरोध हुआ था, ये कहां पर हुआ था? यूनान में। दस्तक अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करना है और आंसर देना है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, ये अभियान ओपन डिफिकेशन के खिलाफ है, इसे यूनेस्को के सहयोग से आरंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन ये जो दस्तक है हमारा, ये ओपन डेफिकेशन से संबंधित नहीं है,
ये यूनेस्को के सहयोग से प्रारंभ हुआ है, सही है, उत्तर प्रदेश ने किया, ये भी बात सही है, यूपी भी इसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुसुम स्कीम पर विचार करना है हमको, काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम हम आपको करा रहे हैं, इसमें कुसुम स्कीम पर विचार करना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। स्टेटमेंट नंबर वन, स्कीम का संबंध सौर ऊर्जा उत्पादन से है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से। स्कीम के तहत किसानों को 60% सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है, तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, कुसुम योजना संबंधित तीनों ही कथन यहाँ पर एकदम सही हैं। हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए गायिका उषा उथुप को सद्भावना दूत नियुक्त किया है। मेघालय ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है उषा उथुप को, चुनाव आयोग में मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वोटिंग के लिए प्रमोट करने के लिए। डल झील की तरह ही एक तैरता बाजार, एक फ्लोटिंग मार्केट हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ था? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, हमारे देश में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है, ठीक है, तैरता हुआ डाकघर, वो कहाँ पर स्थित है कमेंट्स में लिख करके बताइए। लंदन से खबर आई थी कि आलम बेग का स्कल, उसकी खोपड़ी वहाँ पर सुरक्षित रखी छुपी हुई थी। और आलम बेग थे कौन? ये 1857 विद्रोह का एक सिपाही था। व्यास कैंसर पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का। 20 जनवरी 2018 को किस एयरपोर्ट ने 24 घंटे में विमानों के 980 आगमन प्रस्थान का रिकॉर्ड बनाया था? छत्रपति शिवाजी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग कब मनाते हैं? 4 फेब को मनाते हैं। कड़कनाथ मुर्गे को लेकर के जीआई टैग लेने के लिए किन दो राज्यों के बीच विवाद हुआ था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अंततः किसको मिला था? कई बार हम लोग बता चुके हैं आपको, अंततः मिला था मध्य प्रदेश को। कड़कनाथ चिकन ब्लैक कलर का मुर्गा होता है और इसका मीट भी ब्लैक ब्लैक होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। अभी हाल में किस देश में 81 वर्षीय महिला ने स्नातक की डिग्री अपनी पूरी की और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया? चीन में। केंद्र सरकार ने साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नीति को मंजूरी दी, ये नदी किस राज्य में बहती है? आपको पता होना चाहिए, ये बहती है गोवा में। अभी हाल में किस देश ने समलैंगिकता को मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया था? इंडोनेशिया ने। और हमारे देश में अभी ये स्क्रैप कर दिया गया है धारा 377 वाला सिस्टम, और अब समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है, अपराध नहीं है, और समलैंगिकता अब मंजूर कर दी है भारत में। भारतीय टीम ने कब कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? पुरुषों की टीम ने ये जीता है 3री बार। और फाइनल में आखिरी बार हराया किसको था? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को मेंस टीम की अंडर 19 टीम ने हरा करके अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, जो कि आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड में, ठीक है। कहां पर आयोजित हुआ था लास्ट वाला? न्यूजीलैंड में। एग्जाम वॉरियर्स किसकी किताब है? आपको पता होना चाहिए हमेशा, ये नरेंद्र मोदी जी की लिखी हुई किताब है। निम्नलिखित में से भारतीय सेना के कौन से रेजिमेंट ने 4 फेब 2018 को अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाई? मराठा रेजिमेंट ने। हाल ही में किस राज्य में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना की शुरुआत की गई है? हिमाचल प्रदेश में। आप मुझे ये कमेंट्स में लिख करके बताइए कि सबसे पहले भारत में किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई थी। भारत जो कि अस्बगत समझौते का सदस्य बना हुआ है, इससे संबंधित कथनों पर हमको विचार करना है। ये समझौता अप्रैल 2011 में अस्बगत में हुआ था, जो कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। 4 देश इसके संस्थापक देश हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं। इस समझौते का संबंध वस्तुओं की आवाजाही से है, तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं। आप अस्बगत एग्रीमेंट के बारे में ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर प्रणाली चर्चा में थी। रोस्टर सिस्टम किससे संबंधित है? ये केसेस को अलग अलग पीठों में आवंटन से संबंधित है। अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उन तक मामले कैसे पहुंचाए जाएं, कौन सा केस किस ट्रिब्यूनल को देना है, उससे संबंधित ये सिस्टम था हमारा रोस्टर सिस्टम। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? 2 फेब को मनाते हैं। 2 फेब 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं वेटलैंड डे। तो रामसर के और भी फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए और इसी से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इसका संबंध नम भूमि के संरक्षण से है, वेटलैंड कंजर्वेशन से है। इस समझौते पर हस्ताक्षर 1971 में रामसर में किया गया था, जो कि ईरान में स्थित एक शहर है। भारत 1982 में इसका पक्षकार बना, इसका सिग्नेटरी बना। तो तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। विपक्ष का एक सवाल भूल जाने के कारण माइकल बेट्स ने संसद में ही किस देश के मंत्री पद का रेजिग्नेशन दे दिया था, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? कहां पर यह घटना हुई थी? ब्रिटेन में। ब्रिटिश स्वर्ण खान 900 से अधिक श्रमिकों के फांसे जाने के कारण चर्चा में रहा था, ये किस देश में है? ब्रिटिश स्वर्ण खान ये है साउथ अफ्रीका में। काला घोड़ा समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है मुंबई में।
हलफनामा में दी गई सूचना के आधार पर भारत का सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, इसका आंसर है माणिक सरकार। अभी हाल में एनर्जिया नाम की स्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म शुरू करने की योजना बनाई थी। ये कौन से देश की कंपनी है? ये है एक रशियन कंपनी। एनर्जिया स्पेस टूरिज्म शुरू करने वाली थी। किस राज्य ने महिलाओं और लड़कियों को स्मार्टफोन देने वाली संचार क्रांति योजना शुरू की थी? छत्तीसगढ़ ने। और इसी की तरह की योजना शुरू की गई थी तमिलनाडु में, अम्मा टू व्हीलर योजना है, और यहाँ पर पहली चाबी दी थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आप याद रख सकते हैं। फ्री बीज की स्कीम होती है, यानी कि कुल मिलाकर कोई स्पेशल सामान सस्ता कर देते हैं किसी खास वर्ग के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद सकें। तो यही होगा इसमें। जीएसटी के तहत कितने किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए ई वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है? 10 किलोमीटर। बजट 2018-2019 में हमने ग्रीन गोल्ड किसको बताया है? ये बताया है बांस को, ठीक है, बैम्बू को। बजट 2018-2019 में, यानी कि इस साल वाले बजट में, उज्ज्वला स्कीम का लक्ष्य बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, पहले 5 करोड़ जो लक्ष्य रखा गया था, 8 करोड़ कर दिया गया था। बजट 2018-2019 वित्त वर्ष में कितना राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा होने वाला है 3.3%। पशुओं के गोबर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी उसका नाम गोबर धन है। कल भी हम इसके बारे में देख चुके हैं। नई दिल्ली में कृषि आय दोगुना करने पर एक सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हम किसानों की आय को दोगुना करने वाले हैं? 2022 तक। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना थीम थी। और ग्लोबल होस्ट कौन था इस बार? ग्लोबल होस्ट हमारा कंट्री था, भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैलेस क्वीन हमसफर नामक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई थी। ये कहाँ से कहाँ के बीच शुरू हुई थी ये स्पेशल ट्रेन? मैसूर से उदयपुर के बीच। अभी हाल में वतन को जानो कार्यक्रम के तहत किस राज्य के बच्चों ने 18 फेब 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी? ये जम्मू और कश्मीर की सरकार का कार्यक्रम था। इन्होंने बच्चों को भारत को जानो टूर पर भेजा था बेसिकली। तो दिल्ली में ये लोग आए थे बच्चे, और ये गृह मंत्री से मिले थे। किस राज्य में पहली बार जंगली जानवरों का शिकार करने वालों के लिए त्वरित मुकदमा चलाने के लिए 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए? असम राज्य की सरकार ने। इंडिया में पहली बार विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2018 का आयोजन हुआ था, ये किस शहर में हुआ था? हैदराबाद में। आर्कटिक सनराइज बेसिकली था क्या? आर्कटिक सनराइज ग्रीन पीस का एक रिसर्च जहाज था, रिसर्च करने वाला जहाज, शोध पोत था। एशिया का सबसे बड़ा केला बाजार दरा नगरी में स्थित है, ये कहाँ पर पड़ता है? असम में। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, तो पुरुष सिंगल में, मेन सिंगल में किसने जीता था फाइनल में खिताब? जॉर्डन थॉम्पसन ने। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद में अपने अंतिम निर्णय में किस राज्य को कावेरी नदी के जल का सर्वाधिक हिस्सा देने का आदेश दिया था? तमिलनाडु को। और कर्नाटक को कितना जल मिलने वाला था? 284.75 TMC। कावेरी जल विवाद के बंटवारे को लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर देसी राज्य के बीच किस वर्ष पहला बंटवारा या समझौता हुआ था? 1892 में। अब हमने किस वर्ष में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस फैक्ट के पीछे बहुत भागता है। इसका आंसर हो जाएगा 1990। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ना तो कावेरी जल विवाद का पक्षकार है और ना ही उसे कावेरी जल विवाद से कोई हिस्सा मिलना है? इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पर तटस्थ है, इससे कोई मतलब नहीं है। 17 फेब 2018 को नई दिल्ली में 8वां थिएटर ओलंपिक हुआ था, किसने शुभारंभ किया था? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। राष्ट्रीय केला महोत्सव नेशनल बनाना फेस्टिवल 2018 का आयोजन कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। मध्य प्रदेश का कौन से जिले में सबसे पहली बार तितली उद्यान आरंभ किया गया था? रायसेन जिले में तितली उद्यान, बटरफ्लाई गार्डन। भारत क्षेत्र का छठा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ? पटना में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस जगह पर अपना पहला और एकमात्र NRI सेंटर खोला? कोच्चि में, कोच्चि केरल में। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने देश भर में 562 और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोलने का निर्णय लिया। भारत में एकलव्य आवासीय स्कूल स्कीम कब आई थी ये आपको पता होना चाहिए, आई थी 1998 में। अगला सवाल, हाल ही में किस देश में जेदेक नामक एक नई भाषा खोजी गई है जिसके बोलने वाले केवल 280 लोग हैं? मलेशिया में। डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स स्कीम का संबंध किस देश से है? ये है USA से। किस
किस संगठन के द्वारा नई दिल्ली में विश्व सतत विकास बैठक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन हुआ था? ऊर्जा व अनुसंधान संस्थान टेरी के द्वारा। साइरिल रामाफोसा ने 15 फरवरी 2018 को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ ली थी? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति बने थे साइरिल रामाफोसा, और इन्होंने ये शुरुआत की थी, आरंभ किया था ब्रिक्स समिट को। अभी हाल में एक अनोखा निर्णय लिया गया था किस देश की कैबिनेट के द्वारा, कि अपने कैबिनेट के मंत्रियों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था कि वे अपने सहकर्मियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। हेलमेरियम दस लेग ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से 15 फरवरी 2018 को इस्तीफा दिया था? इथोपिया। इथोपिया उन 4 कंट्रीज में से एक है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए नया बेस ईयर कौन सा रहने वाला है, 2017-2018? भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ओडिशा। विश्व व्यापार संगठन में किस देश के साथ विवाद सुलझाने हैं तो भारत ने उस देश के चिकन लेग के आयात पर प्रतिबंधों में छूट देने का प्रस्ताव किया यूएसए के साथ। OIE गाइडलाइंस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जानवर रोग नियंत्रण से। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017 ये किसको घोषित किया गया था? संजीव बजाज को। किस देश का नया वर्ष विश्व में मानव का सबसे बड़ा वार्षिक उत्प्रवासन माइग्रेशन का कारक बनता है? चीन। जैकब जुमा ने 14 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था, वो कितने सालों से बने हुए थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति? 9 सालों से। नए कौन बने, हमने डिस्कस किया साइरिल रामाफोसा। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत का निदेशक डायरेक्टर बनाया गया था? दिनेश अरोड़ा को। नॉस्ट्रो बैंक अकाउंट चर्चा में आया था, नॉस्ट्रो बैंक अकाउंट है क्या? दूसरे देशों के बैंकों में भारतीय बैंक का विदेशी मुद्रा में खाता। खड्ग प्रसाद ओली, KP शर्मा ओली, जिन्होंने 15 फरवरी 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वो नेपाल के किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 41वें। ठीक है, प्रेसिडेंट है वहाँ पर विद्या देवी भंडारी, और PM है वहाँ पर खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। भारत का प्रथम रेडियो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। IISS की मिलिट्री बैलेंस 2018 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा बजट के मामले में विश्व भारत में कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर, यानी कि रक्षा के मामले में डिफेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाले देशों में भारत आता है 5वें नंबर पर। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा से कितनी रकम का घोटाला सामने आया था? 11,000 करोड़ रुपए। पोलर म्यूनिक प्राइज 2018 जिसकी घोषणा की गई थी, ये कौन सा देश प्रदान करता है? स्वीडन। हाल ही में भारत सरकार ने एंटी नारकोटिक्स योजना को 3 सालों के लिए बढ़ा दिया था, ये कब शुरू हुई थी? 2004 में शुरू हुई थी। गृह मंत्री होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने 14 फरवरी 2018 को किस जगह से जल मिट्टी यात्रात्रा को हरी झंडी दिखाई थी? इंडिया गेट, नई दिल्ली से। ये इसका आंसर है। यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज UNHCR के अनुसार किस देश में हेमा और लेंडू समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष के कारण 22,000 से अधिक लोग देश छोड़कर पड़ोसी देश में भाग खड़े हुए? कांगो में ये हुआ था। ठीक है, कांगो रिपब्लिक। आप जान लेना कि एक पुरस्कार होता है मदर टेरेसा मेमोरियल प्राइज, ये इस बार मिला था इसी ऑर्गेनाइजेशन को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को, यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज को ही। अभी हाल की रिपोर्ट में भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बताया गया था? श्री चंद्र बाबू नायडू। और सबसे कम किसके पास पाई गई थी? माणिक सरकार। रिपोर्ट किसने जारी की थी? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिव रिफॉर्म्स ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया था? चंद्रशेखर कंबार को। ठीक है, साहित्य अकेडमी के इस समय हेड हैं चंद्रशेखर कंबार। एक ललित कला अकेडमी होती है, उसके हेड हैं इस समय श्री उत्तम पछर ने। फोर नेटालिस जो हाल में चर्चा में रहा था, ये क्या है? ये एक साथ कई बीमारियों की जाँच करने वाला DNA स्क्रीनिंग टेस्ट है, फोर नेटालिस। हाल ही में LPG पंचायत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने J-20 नामक स्टील्थ फाइटर अपनी वायुसेना में शामिल करने की घोषणा की थी? चीन ने। मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ के 3 बाघों को सतकोसिया टाइगर रिजर्व में भेजने की घोषणा की थी। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है ओडिशा में। ओडिशा में 2 नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट वाले, एक है भीतरकर्णिका नेशनल पार्क और एक है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। ओबुआमा जो हाल में खबरों में था, ये क्या है? हमारी सौर प्रणाली से बाहर का एक आकाशीय पिंड है ओबुआमा। ट्रॉपिकल
साइक्लोन जिसका नाम है गीता, इससे कौन से देश का संसद भवन ध्वस्त हो गया था? टोंगो। पोस्टल डिपार्टमेंट ने हाल में एक रसगुल्ला बनाने वाले व्यक्ति पर डाक टिकट जारी करने की बात कही थी। इस व्यक्ति का नाम है नवीन चंद्र दास। नेशन वाइड सीज फायर एग्रीमेंट जो हाल में चर्चा में रहा था, इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है म्यांमार से। म्यांमार की डी फैक्टो लीडर हैं आंग सांग सू की। तीसरा डिफिकल्ट डायलॉग फोरम 9 फेब 2018 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? गोवा में ही। वर्ल्ड रेडियो डे जो मनाया जाता है 13 फेब को, इस बार इसकी थीम रही थी रेडियो एंड स्पोर्ट्स। न्यू वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क सबसे अमीर, और इस रिपोर्ट में 12वां स्थान, 12वीं रैंकिंग मिली भारत के मुंबई शहर को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 के मुकाबले 2017 में भारत के कुल वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 1%। ठीक है, कुल मिलाकर 1% यहाँ पर बढ़ी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत किस राज्य में उसके कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण प्रतिशत सर्वाधिक है? यह है लक्षद्वीप में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र का वन आवरण है, फॉरेस्ट कवरेज कितना है, ये आपसे पूछा है। 24.39%, 24.39%। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की स्थिति को मनाते हैं हम लोग 12 फेब को। हाल ही में किस शहर की एक स्थानीय निकाय परिषद ने अमीर व्यक्तियों से गिल्ट टैक्स वसूलने की बात कही थी, योजना बनाई थी? लंदन में गिल्ट टैक्स वसूला जाएगा, अनोखे तरह का टैक्स। किस राज्य में एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन मारमोम कन्वेंशन फरवरी 2018 के दूसरे सप्ताह में आयोजित हुआ था? केरल में। ये एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक कन्वेंशन होता है, आयोजित कहाँ पर हुआ? केरल में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के हाल के एक निर्देश के अनुसार कोयला खान यानी कोल फील्ड के कितने किलोमीटर के दायरे में ही नए तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए? 500 किलोमीटर के दायरे में ही। हाल ही में किस बैंक ने 20,339 करोड़ रुपए का डूबा कर्ज को बट्टा खाता यानी कि राइट ऑफ में डाल दिया था, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक है? ये है भारतीय स्टेट बैंक। किस राज्य ने राज्य के अस्पतालों में 7 दिनों के लिए अलग अलग रंग की बेडशीट का प्रावधान जारी किया था, अनोखी तरह का? ये किया था मध्य प्रदेश में। विश्व के किस विश्वविद्यालय ने पहली बार अपना अलग ब्रांड का जिन एक प्रकार का मदिरा वाणिज्यिक तौर पर बेचने का निर्णय किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत जो पैडमैन फिल्म आई थी, ये किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आधारित थी? अरुणाचलम मुगुरंथम की। ठीक है, अरुणाचलम मुरुगंथम। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का कौन सा राज्य वर्ष 2017 में निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने में सबसे आगे रहा? कर्नाटक। फेब 2018 में प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए थे, यूएई, ओमान और फिलिस्तीन। ये सऊदी अरब नहीं गए थे फेब में, तो ये आप याद रख सकते हैं। हाल ही में नेपाल ने किस भारतीय मंदिर को कस्तूरी की आपूर्ति करने में असमर्थता जताई थी? भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में बोला था कि कस्तूरी हम नहीं भेज पाएंगे नेपाल ने। पब्लिक सेक्टर के किस बैंक ने वर्ष 1999 के पश्चात पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 की तीसरी तिमाही में घाटा दर्ज किया? स्टेट बैंक ने। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग करने वाला भारतीय मूल का पहला व्यक्ति कौन है? राज शाह। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स से संबंधित कथनों पर विचार करना, देखते हैं क्या सही क्या गलत है। ये इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन जारी करता है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग 44वीं है। सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग यूएसए को प्राप्त हुई है, तो इसमें कौन से सही हैं? इसका आंसर है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, भारत की रैंकिंग ध्यान रखना 44वीं है और पहली किसकी है? अमेरिका की। खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 12वां राज्य कौन बना था? बिहार। ठीक है, बिहार ने खुली सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाया था, और जो सिगार्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आती हैं, ई सिगरेट्स आती हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दी द्वारा जो लिखी गई थी किताब एग्जाम वॉरियर्स, उसके हिंदी संस्करण हिंदी वर्जन का विमोचन किया था श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। किस राज्य की सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए अपने राज्य में खुशी योजना शुरू की थी? ओडिशा ने। ये सब 8 मार्च को आपको चीज़ें देखने को मिली थी जब हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। इस दिन बहुत सारी स्कीम्स आती हैं इस तरह की। अस्मिता योजना भी आई थी महाराष्ट्र की तरफ से, खुशी योजना आई थी ओडिशा की तरफ से। असम सरकार ने किस तिथि को राइनो दिवस मनाने का निर्णय लिया था? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को असम ने बोला था कि हम इसको राइनो डे के रूप में मनाएंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस उम्र तक के बच्चों के लिए नीले रंग का आधार कार्ड बाल आधार जारी किया था? और ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए नीले कलर का आधार बनवाए जाने की बात कही थी। और हाल के दिनों में तो आधार कॉन्स्टिट्यूशनल जरूर रह गया है लेकिन बहुत कम जगह पर लगता है, खाली गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेने के लिए, और वो भी उन गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेने के लिए जिनके लिए फ़ंड ड्रॉ किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उन्हीं के लिए आधार आपको लगाना जरूरी होता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2017-2018 के दूसरे अनुमान के तहत रिकॉर्ड कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया था? 277.49 मिलियन टन का। स्वजल पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? राजस्थान में। बी मेकिंग नाम की पुस्तक जो नवंबर 2018 में पब्लिश होगी, इसकी लेखक या लेखिका कौन रहने वाली है? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने किस बीमारी के इलाज के लिए 26 फरवरी 2018 को वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया गया था एड्स के लिए। कार्यक्रम 90:90:90 का संबंध किस बीमारी से है? ये बीमारी है एड्स। 68वें बर्लिन फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था? ये मिला था टच मी नॉट को। अब 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की यहाँ पर हम देखेंगे स्टेटमेंट्स और देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। इसका आयोजन प्योंगचांग में हुआ था जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है, तो ये सही है। सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीता था, ये भी आंसर सही है। भारत को कोई पदक नहीं मिला था, ये भी आंसर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही सही हैं। आप हमको ये बताइए कमेंट्स में लिख करके कि प्योंगचांग ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट्स कौन कौन से थे, बताइए कमेंट्स में लिख करके। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? बीजिंग चीन में। बीजिंग ने किया था आयोजन इसका 2012 में समर ओलंपिक्स का, और विंटर का करेगा ये अगला वाला 24वें वाले को। तो ये पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने समर ओलंपिक प्लस विंटर ओलंपिक का आयोजन किया हो। 69वें स्टॉन्ट्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2018 का आयोजन कहां पर हुआ था? बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में। भारत ने इस टूर्नामेंट में कितने स्वर्ण या फिर कितने मेडल निकाले थे? 2 स्वर्ण के साथ 11 मेडल निकाले थे स्टॉन्ट्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2012 का प्रधानमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार टाटा स्टील के श्री सुब्रत कुमार को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार के तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार में। किसको मिला है ये भी देख लेना, टाटा स्टील के श्री सुब्रत कुमार को। इस पुरस्कार से संबंधित एक और क्वेश्चन बन सकता है, इस पर विचार करें कथनों पर। अगर ये केवल ऐसे प्रतिष्ठानों के कर्मकारों को प्रदान किया जाता है जहां कम से कम 500 लोग काम करते हैं, यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 4 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। 21वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। 2 दिवसीय सतत जैव ईंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। अभी हाल में एक रिसर्च के अनुसार डार्क एनर्जी के कारण हमारे ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड का कितना प्रतिशत डार्क एनर्जी का है? ये है 68%, ठीक है। मानकला मंदिर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन 24 फरवरी 2018 को हुआ था। मान मंदिर कला कहाँ का स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अरुणा बी रेड्डी किस विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी? जिम्नास्टिक विश्व कप में इन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया था भारत को, अरुणा बी रेड्डी। हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी नियंडरथल मानव द्वारा की गई थी, जो आज से लेकर 64,800 वर्ष पुरानी है। इस गुफा का चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? स्पेन देश से। अब धनुष मिसाइल के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल है, पहला स्टेटमेंट। ये जमीन से लेकर जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल की नौसैनिक संस्करण मिसाइल है। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं, एक, दो और तीन, तीनों। पीएम मोदी जी ने 25 फेब 2018 को रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को हरी झंडी दिखाई थी, कहाँ से? सूरत डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से। स्वच्छ भारत अभियान की गुडविल एम्बेसडर 106 वर्षीय कुंवर बाई, जिनका हाल में निधन हो गया था, जो अपनी बकरी बेचकर अपने टॉयलेट का निर्माण करवा पाई थी और चर्चा में काफ़ी आई थी, किस राज्य की रहने वाली थी? छत्तीसगढ़ की। ओलंपिसिन जो चर्चा में रहा था, ये क्या है? ये न्यूज़ में रहा था, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है ये ओलंपिसिन। भारत में पहली बार किस राज्य में अवैध व्यापार पर निगरानी रखने के लिए बगीचों की DNA बारकोडिंग करने का निर्णय लिया गया है? कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अरबपतियों की संपत्ति भारत की GDP का कितना प्रतिशत है? 15% है। जोखांग टेम्पल जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में आया था, ये कहाँ पर स्थित है? लासा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए निवेश वाली डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की गई थी? बुंदेलखंड से। केंद्रीय समुद्री मत्स्यन शोध संस्थान के अनुसार भारत के किस राज्य में समुद्र तटों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है? ये गोवा तट पर सबसे ज़्यादा समुद्री कचरे का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। एस दुर्गा, इसका असली नाम है सेक्सी दुर्गा नामक फिल्म को हाल में इससे मंजूरी मिल गई थी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से। ये किस भाषा की फिल्म थी? ये मलयाली भाषा की फिल्म थी, ठीक है। जापान ने हाल ही में किस देश को चुनाव कराने के लिए बैलेट बॉक्स दान में देने की घोषणा की थी? कैम्बोडिया को। देश में पहला इलेक्टोरल बॉन्ड 1 मार्च 2018 को जारी होगा। ये बॉन्ड कितने दिनों तक वैध रहता है? ये रहता है 15 दिनों तक। ACF में इससे क्वेश्चन आए थे, तो आप बताइए इसकी लिमिट क्या होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड की अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, यानी कि कितनी अमाउंट सबसे कम और कितनी इसकी अधिकतम अमाउंट का बनवाया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 5 करोड़ सदस्यों को 2017-2018 के लिए कितना प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की है? 8.55%। ये बहुत माइन्यूट चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में इकोनॉमी करंट अफेयर्स से, आपको रटना पड़ेगा इनको। हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से विद्यालयों में नामांकन के लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है? केरल राज्य ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 से संबंधित कथनों पर विचार कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, जर्मनी में। भारत की रैंकिंग 81वीं है यानी कि 81, और वर्ष 2016 के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 2 रैंकों की गिरावट दर्ज की गई। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे स्वच्छ राष्ट्र है, जबकि सोमालिया विश्व का सबसे भ्रष्ट राष्ट्र है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आपको फैक्ट्स पता चल गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, तो ये सब चीज़ें आप इसमें रट लीजिएगा। हाल ही में कमल हासन द्वारा मक्कलम निधि मय्यम नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया था। मक्कल निधि मय्यम का अर्थ क्या होता है? जन न्याय केंद्र। भारतीय वायुसेना का फाइटर पायलट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? अवनी चतुर्वेदी। बेहद इंपॉर्टेंट, और आपसे पूछा गया था ये आरोग्य पेपर में भी। किस राज्य की सरकार ने परिवर्तन स्कीम की शुरुआत की थी? हरियाणा ने। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से बैंकिंग प्रणाली में आई खामियों की जांच करने के लिए और उसे दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? वाई एच मालेगाम कमेटी का गठन किया गया था इन पर रिकमेंडेशन करने के लिए। देश में उत्कृष्टता के 20 विशिष्ट संस्थानों के चयन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा किसकी अध्यक्षता में फेब 2018 में कमेटी का गठन किया गया था? किसी अध्यक्षता में किया गया था? एन गोपाला स्वामी कमेटी का गठन किया गया था UGC के द्वारा देश में एक्सीलेंस के 20 विशिष्ट संस्थानों का चयन करने के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 मार्च 2018 तक टॉयलेट्स का निर्माण करने के लिए लोगों को एक सोने का सिक्का देने की घोषणा की थी? कराईकल नगर पालिका तमिलनाडु ने। हाल ही में किस देश में महिलाओं को पति या पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना ही अपना व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति मिल गई है? सऊदी अरब में। इतघोरी में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बनाए जाने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। ये किस राज्य में स्थित है इतखोरी? ये है झारखंड में। हमको बताना है कि इस क्वेश्चन में कि सबसे पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था 1974 में। अब बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मिसूरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉरमेंड सही है, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषी फिल्म द हैंड मेडन। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो एक दो तीन तीनों ही सुमेलित हैं, आप कैटेगरी ध्यान रखें। ऑरोरा बोरेलियस किस, ये इसका संबंध किससे है? ऑरोरा बोरेलियस से क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आता है। ये नॉर्थ पोल पर एक प्राकृतिक लाइट शो होता है जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली होता है, ऑरोरा बोरेलियस। हाल ही में किस देश ने बजट आधिक्य को देखते हुए अपने देश के नागरिकों को बोनस देने की घोषणा की है? सिंगापुर ने। कैबिनेट ने 20 फेब 2018 को कितनी राशि वाले नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड की स्थापना की है? 6000 करोड़ रुपए इसकी कुल मिलाकर के राशि होगी। कैबिनेट ने 20 फेब 2018 को महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के गठन की घोषणा की। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है ये आपको बताना है, ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच है। संस्कृति महोत्सव स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। किस राज्य या यूटी में शिक्षा से संबंधित मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई? दिल्ली सरकार में। मुंबई और पुणे के बीच देश की पहली हाइपरलूप सेवा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? वर्जिन ग्रुप के साथ। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने किस पशु में मानव या उस पशु का हाइब्रिड गर्भ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? ये किस पशु में ये खोज की गई है? भेड़ में। सर्वोच्च न्यायालय की जिस संवैधानिक पीठ ने व्यक्ति के पैसिव यूथनेशिया को सही ठहराया है उसकी अध्यक्षता किसने की है? उसकी अध्यक्षता की है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने। प्यारा लाल वाडाली का निधन हो गया था 9 मार्च 2018 को, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये सूफी गायक हुआ करते थे प्यारे लाल वाडाली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पैसिव यूथनेशिया पर अंतिम मुहर किसके द्वारा लगाई जाएगी? न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। अच्छा, पैसिव यूथनेशिया ये है क्या चीज़, कोई कमेंट्स पे लिख करके बताइए हमको, एक लाइन में इसको डिफाइन करिए। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा देने संबंधी विधेयक पारित किया था। ऐसा विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य बना। सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था मध्य प्रदेश, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और इससे क्वेश्चंस आपका पूछा गया था यूपी SSC वाले एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्था ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन क्यू परियोजना शुरू की है? और यहाँ पर क्यू का मतलब क्वालिटी है। ये कहाँ पर की गई है? शिरडी वाले साईं बाबा में। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें विशिष्ट फैमिली पेंशन देने की घोषणा की है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा कर रहे जवानों के परिवारों को ये विशिष्ट पेंशन की सुविधा अनाउंस की गई थी सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किससे हाल ही में एली वीजल अवार्ड वापस ले लिया गया था? ये ले लिया गया था म्यांमार की डिफैक्टो लीडर आंग सांग सू की से। मामला वही रोहिंग्या शरणार्थियों पर क्रूरता के मामले में, और क्रूरता के मामले में इनके द्वारा उदासीनता दिखाई जाने के मामले में आंग सांग सू की से ये पुरस्कार भी छीन लिया गया। आप देखोगे फ्रीडम ऑफ ऑक्सफोर्ड पुरस्कार इनसे छीना गया, मानद नागरिकता कैनेडा की सरकार ने जो इनको दी थी वो छीन ली, एली वीजल अवार्ड छीन लिया गया, इवन नोबल पुरस्कार भी इनसे छीने जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि नोबल फाउंडेशन का कहना है कि हमने जो पुरस्कार अपने व्यक्तियों को दिए थे वो उनके पास्ट के कार्यों को देखते हुए दिए थे, प्रेजेंट में व्यक्ति क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस टीम ने देवधर ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती थी? इंडिया बी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 की थीम क्या रही थी? प्रेस फॉर प्रोग्रेस। बालकृष्ण दोषी को बीवी दोषी को प्रतिजगर पुरस्कार 2018 देने की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी डिज़ाइन उन्होंने तैयार नहीं की थी? IIM इंदौर की डिज़ाइन उन्होंने तैयार नहीं की थी। IIM अहमदाबाद की डिज़ाइन वो तैयार कर चुके हैं। टैगोर मेमोरियल अहमदाबाद की डिज़ाइन तैयार कर चुके हैं। IIM बेंगलुरु की डिज़ाइन तैयार कर चुके हैं। बीवी दोषी बहुत महान आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाले प्रतिजगर पुरस्कार है और आर्किटेक्चर का नोबल भी इसको कहा जाता है। यूनेस्को की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विगत एक दशक में, एक डिकेड में, भारत में बाल विवाह 47% से कम होकर के कितना प्रतिशत रह गया है? अब 27% रह गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों की कल्याणकारी स्कीम को, जिसकी राशि 20 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? अब 1 करोड़ रुपये कर दिया है। नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली और वो अभी भी बने हुए हैं। ये अब तक कितनी बार नागालैंड के CM बन चुके हैं? 4 बार, चौथी बार बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस जगह पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया था? झुंझुनू से, ठीक है, झुंझुनू से ही उन्होंने अनाउंस किया था राष्ट्रीय पोषण अभियान को भी।
राष्ट्रीय पोषण अभियान को फंड किया है वर्ल्ड बैंक ने भी। वर्ल्ड बैंक ने कितना फंड किया है कमेंट्स में लिख करके बताइए राष्ट्रीय पोषण अभियान को जल्दी से। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 8 मार्च 2018 को आई मेट्रो जारी किया था, आरंभ किया था। तो आई मेट्रो है क्या? ऑल इंडिया मेट्रो रेल कंपनी एसोसिएशन है। 8 मार्च 2018 को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा 100% ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम सुविधा है। और ये कितने का मिलता है? 10 रुपये में कितने पैड इसमें मिलते हैं ये आप कमेंट्स में लिख करके बताइए। भारत में प्रथम जन औषधि मेडिकल स्टोर किस राज्य में खोला गया था? पंजाब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकते हैं आपसे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 8 मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई कौन करता है? ईरान करता है। ठीक है। नील बसु को किस देश में आतंकवाद रोधी पुलिस का प्रमुख बनाया गया था? यूके में। ठीक है, यूके में नील बसु को ये पद मिला था। अगर किसी व्यक्ति को, हमने आपको बताया, अगर बाहर कोई पद मिलता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकता है। कॉब्रे ब्रायंट को हाल में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल से। किस राज्य में कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया था? हरियाणा में। किस देश ने एक कानून पारित करके क्रिप्टो करेंसी को $1 के बराबर विनिमय की वैधानिकता प्रदान की थी? मार्शल आइलैंड ने। 90वें एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी? शेप ऑफ वाटर। डायरेक्टर हैं गिलर्मो डेल टोरो। ठीक है। और थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मसूरी किसमें रही थी? ये रही थी गोल्डन ग्लोब वाले में। निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी वर्ष 2019 के मून मिशन के लिए चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करने वाली थी? वोडाफोन। जावेद आबिदी जिनका निधन हो गया था वो किस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे? दिव्यांग अधिकारों के एक्टिविस्ट थे, तो इनका निधन हो गया था। इंडियन टर्फ इन्विटेशन कप का संबंध इनमें से किस खेल से है? यह है घोड़दौड़ से। वर्ल्ड बैंक के अनुसार सितेरम नदी विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है, ये कहाँ पर बहती है? ये बहती है इंडोनेशिया में। सीशेल्स का वह द्वीप जहां भारत अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने वाला था ये था अजम्पशन आइलैंड, हालांकि सीशेल्स ने मना कर दिया था इसके बाद। अच्छा, सीशेल्स के साथ हम लोग कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं कमेंट्स में लिख करके बताइए। शिग्मोत्सव 2018 का फेस्टिवल कहां पर आयोजित होता है? ये होता है गोवा में। ठीक है, वहां का लोकल फेस्ट है, ध्यान रखें इसको। भगोरिया मेला का आयोजन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। MPPCS के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अदर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने किस देश से के संबंध को समर्पित नमस्ते शोलोम पत्रिका के सोशल मीडिया संस्करण को लॉन्च किया था? ये किया था भारत इजराइल। भारत इजराइल संबंधों पर समर्पित है नमस्ते शोलोम मैगजीन। आर्मेन सरकिसियन किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? ये आर्मेनिया देश के राष्ट्रपति बने थे। देश के किस जिला प्रशासन के द्वारा राबता नाम का वेब पोर्टल शुरू किया गया था? राजौरी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के। बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए भारत और बांग्लादेश के अलावा किस देश में समझौता हुआ है? भारत रूस और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर ट्राइलेटरल समझौता हुआ है कि वहाँ के रूपपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्राइसिल की एल्यूमिनिक्स इंडेक्स में किस राज्य को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? केरल को। किस देश से मार्च 2018 में एसिड को अत्यधिक खतरनाक हथियार के रूप में वर्गीकृत किया? यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया बाय द नाइल जो अभी खबरों में रहा था यह है क्या? ये इजिप्ट में आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह हुआ था। अप्रैल 2018 में डिफेंस एक्सपो डेफेक्सपो का आयोजन कहाँ पर होगा, मतलब हुआ, ये हुआ था चेन्नई में। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 मार्च 2018 को भगौड़ा अपराधी विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के अनुसार कितनी राशि से अधिक के अपराधों पर इसके प्रावधान लागू होने वाले हैं? 100 करोड़ रुपए। फेब मार्च 2018 में भारत की यात्रा पर आए अब्दुल्ला द्वितीय बिन हसन किस देश के शाह हैं? ये जॉर्डन के हैं। 42वां सिविल अकाउंट्स दिवस कब मनाया गया था? 1 मार्च को। भारत सरकार का भविष्य एप्लीकेशन किससे संबंधित है? कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य का पहला मेगा फूड पार्क 1 मार्च 2018 को शुरू हुआ, कहाँ पर? सतारा डिस्ट्रिक्ट में। विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? दुर्लभ बीमारी दिवस मनाते हैं फरवरी के अंतिम दिन। लॉरिस अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक खेल पुरस्कार में किस खिलाड़ी को वर्ष 2017 का बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? रॉजर फेडरर को।